नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द खबरदार चैनल पर। एक दौर सा चल रहा है अफवाहों का, आइए हम इस पे कुछ चर्चा करते हैं। राजनीति में कूटनीति और दुष्प्रचार का जो चलन इस डिजिटल युग में आया है वो शायद पहले नहीं था। व्हाट्सएप और फेसबुक ने तो मानो अफवाहों की एक क्रांति सी ला दी, जिसे देखो वही सोशल मीडिया पर उल्टियां किए जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग व्यापक पैमाने पर बढ़ता ही जा रहा। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई कि कांग्रेस पार्टी ने त्योंथर से अपना उम्मीदवार रमाशंकर पटेल को घोषित कर दिया। इस दावे की कोई पुष्टि विश्वसनीय प्रमाणों के साथ नहीं की गई, लेकिन ये बात जंगल में आग की तरह फैली, लोगों में चर्चाएं भी होने लगी। सोने पर सुहागा ये था कि रमाशंकर के समर्थकों ने तो इस बात का जश्न भी मनाना शुरू कर दिया। डीजे बचे, मिठाइयां बांटी गई, पटाखे जलाए गए, किसी ने टिकट के पार्टी की आधिकारिक घोषणा एवं पार्टी के पुष्ट सूत्रों पर विचार तक नहीं किया। हालांकि अन्य कांग्रेसी दावेदारों के समर्थकों ने चीख चीख कर व्यक्तिगत एवं सोशल मीडिया तौर से इस बात का खंडन भी किया, पर इस भसड़ के आगे किसी ने सुनी ही नहीं। हालांकि ये त्योंथर के लिए कोई नई बात नहीं। ऐसा ही दावा कुछ दिन पूर्व जब बीजेपी पार्टी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में मशगूल थी तो कौशलेश तिवारी उर्फ तिवारी लाल के समर्थकों द्वारा भी तिवारी लाल के टिकट की घोषणा की जा चुकी थी। ये दोनों नेता परिवारवाद की राजनीति के ही द्योतक हैं और दोनों के पिता पूर्व में त्योंथर से ही विधायक और मंत्री रह चुके हैं। अंतर बस इतना था कि तिवारी लाल व उनके समर्थकों ने मिठाइयां और डीजे पर कोई नुमाइश नहीं की। अब इसे प्रचंड समर्थकों का अपने नेता के प्रति प्रेम कहें या बेवकूफी, ये समझने में असहजता महसूस होती है। पर समर्थकों की इन हरकतों का खामियाजा तो टिकटार्थी नेताओं को भुगतना ही पड़ता है। माना जाता है कि बीजेपी पार्टी में संघ और पार्टी के व्यक्तिगत सर्वे को ही आधार बनाकर टिकट दिए जाते हैं, और ऐसा ही कमलनाथ का भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी में खासकर इस बार टिकट का आधार सर्वे ही होगा। तो फिर ये जल्दबाजी कैसी? भले ही अंदर पार्टियां परिवारवाद और पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही, पर आडंबरी आवरण के लिए ही सही, जनता की नजरों में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सर्वे को ही आधार बनाने की बात प्रमुखता से कहीं सुनी जाती है। जनता की माने तो ऐसी जल्दबाजी टिकटार्थी को पार्टी और पार्टी आलाकमान की नजरों में गिरा देती है। साथ ही अन्य पार्टी अन्य टिकटार्थी दावेदारों द्वारा इन्हीं मौकों को ब्रह्मास्त्र बनाकर जल्दबाज नेताओं पर ही प्रहार कर दिया जाता है, जिसके जीवंत उदाहरण उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भरे पड़े हैं। अब एक बिल्कुल नया सा आयाम सोशल मीडिया द्वारा इस समय खोला जा रहा है। कुछ लोगों ने ये दावे किए कि सिद्धार्थ तिवारी राज कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं और अपने लोगों से कांग्रेस पार्टी को टिकट के दबाव बनाने वाली स्थितियां पैदा करवा रहे, जिसके तारतम्य में कुछ सिद्धार्थ हितैषियों ने अपने सगुफे इस्तीफा के रूप में छोड़ दिए। अब ये कितना असरदार रहा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर कांग्रेस पार्टी का आनन फानन में सिद्धार्थ जी को पार्टी का महामंत्री घोषित करना ये साबित करता है कि सगुफे की मार पार्टी को लगी।
और वहीं दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि सिद्धार्थ तिवारी सिंधिया जी के साथ दिल्ली में देखे गए। अब एक नया दावा सामने आया जिसमें ये कयास लगाया जा रहा है कि सिद्धार्थ देवथर में बीजेपी की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि सिद्धार्थ के बीजेपी में आगमन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई और ना ही इन सभी बातों की पुष्टि खबरदार चैनल द्वारा की जा रही। लेकिन रत्ती भर भी इन बातों में अगर सच्चाई है तो यकीनन देवथर का चुनाव रोचक मोड़ पर खड़ा है। खैर, पार्टियों के सर्वे और समर्थकों के उन्माद में सामंजस्य अगर बन भी गया तो ठीक, नहीं तो मुंह छुपाना या पार्टी घात ही एकमात्र विकल्प शेष रह जाएगा, जिसकी पुष्टि त्योंथर 2018 के विधानसभा चुनाव से की जा सके। इस विषय पर एक अनुभवी राजनेता से हमारी टीम द्वारा सलाह मांगी गई तो उन्होंने बिना नाम सार्वजनिक करते हुए कहा, मेरी व्यक्तिगत बौद्धिकता यह कहती है कि अब जनता को गुमराह करके चुनाव का रुख मोड़ देना या अफवाहों को हकीकती जामा पहना देना उतना आसान नहीं जितना राजतंत्र में था। ये लोकतंत्र की जनता है जो सब समझती है, जल्दबाजों के उतावलेपन और खोखले प्रचार तंत्र को अच्छे से समझती है। सेवा ही वह मार्ग है जिससे जनता के हृदय में स्थान बनाया जा सकता है। बाकी पार्टियों की अदला बदली से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आगे की और खबरों के लिए जुड़े रहें द खबरदार न्यूज चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।